सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में क्रोमोजोम को ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर कुछ कैटेगरीज में क्लासिफाई कर रखा है, जिसमें से पहली है मेटासेंट्रिक, दूसरा है सबमेटासेंट्रिक एंड तीसरा एक्रोसेंट्रिक एंड चौथा टेलोसेंट्रिक। इनको समझते हैं कि करके, सबसे पहले है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है वो बिल्कुल मिड में प्रेजेंट होता है, मिडिल सेंट्रोमियर एंड टू इक्वल आर्म्स। सेंट्रोमियर बिल्कुल मिड में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से आर्म रेशियो जो होता है बिल्कुल इसमें इक्वल होता है। सेंट्रोमियर प्रेजेंट मिडिल एंड टू इक्वल आर्म्स इन मेटासेंट्रिक क्रोमोजोम। इसके बाद है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर है यहाँ से उठ के थोड़ा ऊपर की तरफ खिसक जाता है, सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर, जिसकी वजह से जो आर्म होती है वन शॉर्ट होती है एंड वन लॉन्ग। इसमें जो शॉर्टर आर्म्स होती है उसको पी आर्म बोला जाता है एंड जो लॉन्गर आर्म होती है उसको क्यू आर्म बोला जाता है। सब मेटासेंट्रिक और मेटासेंट्रिक। इसके बाद है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक में और थोड़ा सा ये ऊपर आ जाता है, सेंट्रोमियर आर सिचुएटेड क्लोज टू एंड एंड वन वेरी शॉर्ट आर्म एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म। अगर आपसे पूछ लेगी किस टाइप के क्रोमोजोम में सबसे ज़्यादा या मैक्सिमम आर्म रेशियो प्रेजेंट होता है, तो आप लोग आंसर लगाओगे एक्रोसेंट्रिक में। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम हैविंग मैक्सिमम आर्म रेशियो। एंड लास्ट वन टीलोसेंट्रिक। इसमें बिल्कुल सेंट्रोमियर एंड में पहुंच जाता है, यहाँ पे उठ के इस जगह पे, जिसकी वजह से एक आर्म बिल्कुल ऊपर वाली जो है ख़त्म हो जाती है एंड नीचे की सिर्फ दो बचती है, टर्मिनल सेंट्रोमियर प्रेजेंट इन टीलोसेंट्रिक टाइप ऑफ क्रोमोजोम। एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिखा रखे हैं नीचे। सबसे पहले है ये मेटासेंट्रिक, इसके बाद है सब मेटासेंट्रिक एंड एक्रोसेंट्रिक एंड ये देख रखा है टीलोसेंट्रिक। इसमें जो सेंट्रोमियर प्रेजेंट है वो बिल्कुल मिड में प्रेजेंट है मेटासेंट्रिक में, ये देखो मिड में, इसमें थोड़ा ऊपर खिसक गया, इसमें थोड़ा और ऊपर और इसमें बिल्कुल क्लोज हो गया एंड गए। ये मेटासेंट्रिक एंड ये सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। एंड अगर आप लोगों से पूछ ले कि एक क्रोमोजोम में क्रोमेटिड कितने होते हैं, तो आप लोग आंसर लगाओगे दो क्रोमेटिड। अगर आपसे पूछ ले कि सेंट्रोमियर कितना प्रेजेंट होता है, तो सेंट्रोमियर होता है एक, ये जो बीच में दिखा रखा है इसको सेंट्रोमियर बोलते हैं। एंड जो क्रोमेटिड है इसको एक पूरे को इसको एक क्रोमेटिड बोलते हैं, इसको एक पूरे को एक क्रोमेटिड। तो एक क्रोमोजोम में क्रोमेटिड कितने होते हैं, दो, और सेंट्रोमियर एक, और काइनेटिक कोर भी दो होते हैं। तो एक क्रोमोजोम इज इक्वल टू वन क्रोमोजोम, इसमें सेंट्रोमियर एक एंड क्रोमेटिड दो एंड काइनेटिक कोर दो, सेंट्रोमियर एंड क्रोमेटिड और ये काइनेटिक कोर। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।